पौष्टिक न्यूट्रिशियस रेसिपी के लिए एक बोल में आधा कप मूंग की दाल, एक टेबलस्पून चावल और एक टेबलस्पून हमने रागी का इस्तेमाल करा है। सारी चीज़ों को हमें धो लेना है अच्छी तरीके से 3 से 4 बार। आप देख सकते हैं पानी यहाँ पे कितना मटमैला लग रहा है। इसको भीगने के लिए रख दें कम से कम 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे बाद ये अच्छे से भीग जाएगी। पानी हमें फेंक देना है। अब क्या करना है, इसका हमें पीसना है, लेकिन पीसते टाइम ध्यान रखना है कि पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। आधा कप मूंग की दाल ली थी तो 1/4 कप सिर्फ हमें पानी ऐड करना है। इसको पीसते टाइम पे आप इसमें थोड़ा सा लहसुन हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सादा सिर्फ पानी डाल के इसको फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है। इसको निकाल लेते हैं बोल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लिक्विड पेस्ट नहीं है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च का पाउडर हमने इस्तेमाल करा है, और थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे। अभी थोड़ी सी वेजिटेबल डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है, जैसे कि 2 टेबलस्पून हमने प्याज का इस्तेमाल करा है। थोड़ी सी धनिया इसमें डाल दी है, और 1/4 कप के करीब इसमें गाजर डाल दी, ग्रेट करके आप डाल सकते हैं। और इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करा। आप चाहें तो 1/4 टीस्पून के करीब सिर्फ बेकिंग सोडा इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको चीला जो है बनाना है थोड़ा सा फ्लफ़ी टाइप का, लेकिन हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करा। अब चलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया शिमला मिर्च, इसको स्लाइसिस में काट लेना है। स्लाइसिस बहुत ज़्यादा थिक नहीं काटनी है, थोड़ी सी पतली रखेंगे ताकि जो आप इसका इसमें जो बैटर डालें तो वो भी थोड़ा पतला ही रहे। तो इस तरीके से अंदर का पोर्शन इसको निकाल देना है। और थोड़ी सी हमने पनीर भी इस्तेमाल करी है, बहुत छोटे छोटे पीसेस हमने काट लिए। और वैसे आपकी मर्ज़ी, आपको ज़्यादा पनीर पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे हमने पैन लिया है, तवा, इसको अच्छे से ग्रीस करना है और अच्छे से गर्म कर लेना। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, इतना गर्म कि बैटर इसके ऊपर ना चिपके। इस तरीके से हमने शिमला मिर्च रखी और बीच में बैटर डालना है। बैटर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डाल देंगे तो बैटर जब पकता है ना थोड़ा सा और लिक्विड सा हो जाता है तो बाहर निकल आएगा इस रिंग के बाहर, तो इस वजह से थोड़ा सा बैटर अंदर ही रखेंगे। और ऊपर से हमने जो पनीर काट के रखे हैं पीसेस वो रख देंगे। इसमें चाहे तो थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाना है, बहुत ज़्यादा इसमें बटर वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको 2 से 3 मिनट बाद पलट देंगे और दोनों तरफ अच्छी तरीके से हमें सेक लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखेंगे ना ही बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे। और ये 3 से 4 मिनट में फिर से वापस इसे पलट देंगे, दोनों तरफ अच्छे तरीके से हमें सेक लेना। आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा रंग आ गया है। और इतनी सिंपल सी रेसिपी है, 10 मिनट में ही बन के रेडी हो जाती है। बस हाँ, आपको थोड़ा सा भिगोना पड़ता है। आप इसे जो सारी लेंटिल वगैरह आप रात में भिगो सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। हाँ, आपको जो दालें भिगोने में टाइम लगता है बस वही टाइम लगता है, अदरवाइज 10 मिनट के अंदर रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। और देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लगती है, लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आप उन्हें सर्व करेंगे इस तरीके से, साथ में देंगे कोई भी चटनी। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कॉमेंट करके। और इस तरीके से मॉर्निंग का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप किसी को सर्व करेंगे तो बहुत ही आइडिया पसंद आएगा आपका। आई होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा शेयर करें, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कॉमेंट करके। अब चलिए बनाते हैं एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी मूँग की दाल का सैलेड। हमने धुली हुई पीली जो मूंग की दाल होती है वो ली है, इसके साथ में थोड़े से मूंगफली के दाने लिए हैं। इनको हमें रात में भिगो देना, बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर बाहर तो आप सारी चीज़ों को फ्रिज में रख दीजिए। मूंग की जो पीली वाली दाल थी इसको 3 से 4 बार पानी धो लेंगे, अच्छे से भीग चुकी है। इसको पकाना है लेकिन प्रेशर कुकर में नहीं पकाएंगे। इस तरीके से भगोने पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे और इस तरीके से स्टीम कर लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो इससे बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट नहीं होता, ओवर कुक नहीं होती मूँग की दाल, एकदम पेस्ट टाइप का नहीं बनता। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब थोड़ी सब्जियाँ काट लेते हैं, जो भी सैलड में आपको सब्जियाँ पसंद है उनका हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आपने खीरा, थोड़ी सी कैप्सिकम ले ली है, प्याज या फिर पत्ता गोभी, गाजर, जो भी आप चाहें वो, और जो भी मौसम में आ रही हो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मूंग की दाल और मूंगफली एकदम ठंडे हो चुके हैं, तब हमने इसके वो सैलड में सब्जियों के साथ में मिक्स करा। इसमें खूब सारा 3 से 4 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे। और यहाँ पे हमने हरी मिर्च नहीं इस्तेमाल करी, हरी मिर्च कभी कभी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, तो काली मिर्च का पाउडर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसमें, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो काली मिर्च का पाउडर, नमक डाल दिया इसके अंदर। और अभी ये पौष्टिक सैलेड रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करें जिसकी वजह से ये बहुत टेस्टी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड अलसी लिए, 1 टेबलस्पून तिल लिया है, बहुत ही थोड़ा सा आधा टीस्पून से भी कम। यहाँ पे हमने कलौंजी ली है और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने ले लिए हैं। इसका हमें लगाना है तड़का। इंडियन कुकिंग में जब तक हम लोग तड़का नहीं लगाते किसी भी चीज़ में उसका टेस्ट नहीं बढ़ता है। और तड़का लगाने से जो इस चीज़ में सीड्स है ना उनके जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। लेकिन हमें इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, बहुत ही मीडियम लो फ्लेम पर। बस हल्की हल्की सी आपको आवाज़ आने लगी, हल्का सा हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी, बस उतने ही हमें इनको पकाना है। और इसको हमें सारी चीज़ों को डाल देना है सैलड के अंदर। इससे एक अच्छा टेस्ट आ जाता है सैलड में, एक क्रंचीनेस रहती है।
और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। इसको सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस पौष्टिक सैलड बन के रेडी हो चुका है। इसको आप लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है और बहुत ही ईजी सी रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेडी हो चुका है, इसको आप लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है और बहुत ही ईजी सी रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।